हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 18 और ये जो है चैप्टर जो हमारा 2 है उसका एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट यहाँ पे है BRUTAL, ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स होगा क्रूएल, CRUEL, क्रूएल। क्रूएल मीन्स निर्दयी, ब्रूटल या क्रूएल, मतलब ब्रूटल का मीन्स होगा क्रूएल। ओके, फिर है TERRITORY, टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी मीन्स होगा एरिया, ARE A, एरिया, मतलब कि क्षेत्र। जैसे जैसे जो किसी का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टेरिटरी। फिर है MARCHING, मार्चिंग। मार्चिंग मीन्स होगा टू वॉक इन ए फॉर्मेशन, मतलब एक सही तरीके से चलना एक तरह से होगा। जैसे यहाँ पे लाइन क्या करता है, मार्चिंग कर रहा था ना, जब उसने ये चीज सुना था तो कि यहाँ पे कोई और अदर लाइन आ गया है ना, तो यहाँ पे होगा टू वॉक इन ए फॉर्मेशन, मतलब इधर उधर एक साइड से ऐसे सीधे से चलना। ठीक है, फिर है BOUNCED, बाउंस्ड। बाउंस मीन्स टू रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम सरफेस। ठीक है, जैसे कोई चीज जमीन से कुछ टकरा के वापस उछलती है ना, उसको बोलते हैं टू रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम अ सरफेस, या मतलब कि कूदना एक तरह से, उछलना एक तरह से। ठीक है, चैलेंजिंग, यहाँ पे CHALLENGING, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मीन्स होगा एन इनविटेशन टू फाइट, मतलब कि चैलेंजिंग का मतलब हुआ चुनौतीपूर्ण। इनविटेशन टू फाइट यानी लड़ाई के लिए चुनौती देना। ठीक है, फिर है रिजॉइज्ड मीन्स होगा टू सेलिब्रेट, मतलब कि बहुत खुश होना, या किसी चीज को सेलिब्रेट करते तो खुश होते हैं ना, मतलब हर्षित होना। ठीक है, चलिए यहाँ देख लो स्टोरी कम्प्रिहेंशन। यहाँ पे फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू ईच केस। Once there lived a dash in a jungle, man, lion, boy. एक बार वहां पे क्या जंगल में कौन रहता था, यहाँ पे होगा lion, तो बी पे हम लोग टिक करेंगे, क्या होगा lion। ठीक है, फिर है टू द रैबिट वॉज लिसनिंग इन हिज डैश बोरो केव हाउस, कहाँ से रैबिट सुन रहा था, बोरो से, है ना, अपने बोरो से जहां पे वो रहता था, मतलब कि दिल से। द रैबिट आस्क्ड द लायन टू डैश हिम, फाइट सेव हेल्प। जो रैबिट लायन से क्या आके कहता है अपने लिए कि हेल्प। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, हेल्प। तो हम लोग टिक करेंगे इस पे हेल्प। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, सब लोग उसको पढ़ेंगे और अपनी आप लोग अपनी कॉपी में इसको ये वर्ड पावर को और ये टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस को राइट करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।